हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस, आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। आवर नेक्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर टू बी, कोई क्यूब है बेटा आपके पास, मेजर टू बी 5.302 मीटर। What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? Significant figures के ये numericals हैं, इनमें आपको सबसे important है ध्यान रखना है कि जो हमारे पास given जो value है उसमें significant figures कितने हैं, और जो भी आपको कैलकुलेट करना है, जैसे सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, उसके सिग्निफिकेंट जो फिगर होंगे वो भी उतने ही होने चाहिए जितने सिग्निफिकेंट फिगर गिवन वैल्यू में हैं। तो इसको देखते हैं, तो आपके पास यहाँ जो गिवन है वो है आपके पास साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब, और ये गिवन है आपके पास 5.302 मीटर। क्लियर? यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बेटा, इसमें ध्यान से देखें, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2, 3, 4। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपको रूल्स पढ़ा दिए हैं, उनको अच्छे से देखना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो है 4। इसका मतलब जो भी आपसे न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करवा रहा है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपको कितने लेके आने हैं, 4। अगर 4 नहीं आ रहे हैं तो आपको राउंडिंग ऑफ करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला बताइए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला इज, याद है क्या फॉर्मूला क्यूब का, सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ध्यान है क्या? क्लियर? सो 6 मल्टीप्लाई साइड आपके पास गिवन है 5.302 स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इधर स्क्वायर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 5.302 मल्टीप्लाई 5.302, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 28.11120। क्लियर? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5.3 को, घर पे करके देखना, 5.302 मल्टीप्लाई 5.302, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आंसर आएगा 28.11204 भी है बेटा। क्लियर? सो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आएगा 6 मल्टीप्लाई 28.11204। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो इसका आंसर आएगा आपके पास, यहाँ इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ राइट कर देता हूँ। तो इसका आंसर आपके पास आता है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 168.667224 मीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर है? अब ध्यान से समझे, हमारा सरफेस एरिया आ गया 168.667
2, 2, 4 जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस 6 से। अब हमने ये देखना है कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे गिवन वैल्यू में। गिवन वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, तो आपको आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है, 4 में। ठीक है, अब हमारा आंसर आ रहा है ये, तो इसका राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ध्यान दें, हमें राउंडिंग ऑफ करना है इन वैल्यूज का। ठीक है, इन वैल्यूज का से अगर अपन राउंडिंग ऑफ करें तो देखिए ये 4 है, ये 5 से लेस देन है तो रिमूव हो गया, ये 2 है 5 से लेस देन है रिमूव हो गया, ये भी 2 है रिमूव हो गया, तो हमारे पास ये आ गया 168.667। ये लेस देन जो है आपके पास 5 है तो ये रिमूव हो गए। अब देखिए अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और होने कितने चाहिए गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग 4, तो इसके राउंडिंग ऑफ कर देते हैं इसका, तो 67 का राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो 67 जो है उसका राउंडिंग ऑफ इसका, पहले तो बेस वैल्यू बताइए, बेस वैल्यू कितना है इसका बेटा, बेस वैल्यू है इसका 100 और 100 का जो हाफ है वो है 50। ठीक है, 50 से अबो जो है उसका राउंडिंग ऑफ तो यहाँ 1 राइज कर देगा, और अगर 50 से लेस देन वैल्यू है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप देख के बताइए कि जो 67 है वो 50 से मोर देन है या लेस देन है, तो क्लियर है मोर देन है, मोर देन है, तो ये जो 67 है इसको अगर आप रिमूव कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ में तो यहाँ 1 क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। 1 राइज करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा, दिस इज द फाइनल आंसर 168.7। 6 में 1 राइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर स्क्वायर। क्लियर, इट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर 168.7 मीटर स्क्वायर। ध्यान दें, चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है क्या। तो मैंने कहा था कि गिवन जो वैल्यू है उसमें सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कितने थे बेटा, 4, और हमारे सिग्निफिकेंट फिगर चेक करो आंसर में कितने आ रहे हैं राउंडिंग ऑफ करने के बाद, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर आंसर इज राइट। क्लियर, अब जो सेकंड इसमें कैलकुलेट करना है, सेकंड है वॉल्यूम, जो आपका क्यूब है उस क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, उसका भी आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, 4 में। कैसे बेटा, मैंने कहा था कि क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे कि जो गिवन वैल्यू है उस गिवन वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, चलो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला याद है क्या आपको, वॉल्यूम का ऑफ क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फॉर्मूला है साइड क्यूब। क्लियर, साइड क्यूब, और साइड आपके पास गिवन है, साइड आपके पास 5.302 क्यूब। क्लियर, अच्छा इसका स्क्वायर तो अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर आता है 28.111204, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28.111204 को एक बार फिर से, तो ये क्यूब हो जाएगा, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.302 से, तो आंसर आपके पास आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, घर पे आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 149, मल्टीप्लाई आप कर लेना घर पे 149 पॉइंट, और आपके पास आ जाएगा 0456 0456, और लास्ट में आ जाएगा 04 मीटर क्यूब। सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करो इसमें कितने हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमारा आंसर कितने में आना चाहिए,
हमारा आंसर आना चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो क्या करें, इसका राउंडिंग ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ध्यान से देखो, राउंडिंग ऑफ में इसमें 4 सिग्निफिकेंट तक इसका राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो राउंडिंग ऑफ में आपको ध्यान रखना है। तो राउंडिंग ऑफ में ये बताइए कि यहाँ पे जो 4 है ये 5 से लेस देन है, रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 है, रिमूव हो गया। क्लियर है? तो आपके पास आ जाएगा 149.0 और उसके बाद आ जाता है आपके पास 456। 04 रिमूव हो गया। अच्छा ये बताइए, हमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो 4 तो यहाँ तक ही आ रहे हैं, इसका मतलब 456 को भी रिमूव करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ करेंगे 456 को तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, 456 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं और इसका बेस वैल्यू है वो है 1000। 1000 का हाफ होता है 500। जो भी बेस वैल्यू है उसका हाफ कर लेते हैं। अगर हाफ वैल्यू से जो भी गिवन वैल्यू है वो मोर देन है तो 1 राइज कर देंगे, और अगर 500 से लेस देन है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो 456 है वो 500 से क्या है, लेस देन है। लेस देन है तो क्या करें बेटा, लेस देन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपके पास आ जाएगा आंसर 149.0 मीटर क्यूब। सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2, 3, 4। ध्यान रहे पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो 0 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होता है, ये रूल्स हैं इसके, पढ़ रखे होंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको करवाया है इसको आपको ध्यान से समझना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ठीक है? और आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जो वीडियो हमारे RCI के चल रहे हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।